तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा और प्रीति शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बिल्कुल अलग होने वाली है, बिल्कुल मेकअप से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मेरा मेकअप रिलेटेड चैनल है और फैशन रिलेटेड चैनल है। बट आज की जो वीडियो है मेरी यूट्यूब से रिलेटेड होने वाली है। इस मेरे अपने चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो डाली थी स्टार्टिंग में, कुछ 2 से 3 वीडियोज होंगी। तो आज मेरी एक फिर से एक नई वीडियो होने वाली है जो कि यूट्यूब से रिलेटेड होगी। और यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाएं, अपने वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप थंबनेल कैसे बनाते हैं और कौन सी ऐप से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे थंबनेल को वहां पे पेस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे मैसेज मेरे पास कई बार आते हैं, तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, आज मैं एक वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड बनाती हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि आप किस ऐप से यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं और HD क्वालिटी में बना सकते हैं, काफी एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। क्योंकि जो थंबनेल होता है वो ही हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने थंबनेल अच्छा बनाया होगा तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका थंबनेल ही बेकार होगा तो आपकी जो वीडियो है उस पर लोग बहुत कम क्लिक कर पाएंगे और आपकी वीडियोस पे व्यूज भी बहुत कम आएंगे। हमारी जो वीडियोस होती है उस पर व्यूज आने का सबसे ज्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है थंबनेल का। तो अगर आपका थंबनेल अच्छा बना होगा, क्लीन बना होगा, HD में बना होगा, काफी अच्छी क्वालिटी उसकी होगी थंबनेल की, उसमें आपने लिखा अच्छे से होगा, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं क्लिकबेट का काम करेगा, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आएगा और लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने काफी बार जब भी मैं अपनी वीडियोस चेक करती हूँ तो वहां पर मुझे जो उसका वॉच टाइम होता है बहुत ही कम दिखाई देता है। लोग वीडियोस देखते जरूर हैं और कई लोग तो लाइक करना भी भूल जाते हैं और वीडियोज का जो वॉच टाइम होता है बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज होता है। लोग वीडियोज को थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं और कई लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं बहुत सारी चीजें उसमें बताती हूँ बीच बीच में, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूर होता है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर किया करें, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें काफी अच्छा लगता है और उससे हमें और मन करता है कि हम और ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की आगे और भी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे पिक्चर एडिटर, यहाँ पे इसका नाम पिक्चर एडिटर कर दिया गया है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मैंने लिखा है पिक्सल लैब। अगर आप लिखेंगे पिक्सल लैब तो यहाँ पर आ जाएगा पिक्चर एडिटर, और पिक्चर एडिटर को आपको डाउनलोड कर लिया है, जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे ओपन का साइन दिखा रहा है। तो चलिए इसको ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि आप लोग थंबनेल कैसे बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी में और किस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा आप लोगों के, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड मिल जाएंगे और यहाँ पे नीचे बहुत सारे साइन हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा थंबनेल का रेशो होता है वो होता है 16:9 का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें साइज इसका चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको इस पर क्लिक किया है, तो दोबारा कर देती हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पर ये एग्जिट हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जिट नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे क्लिक करूँगी तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका साइज चूज करेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे थंबनेल का साइज होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये आ गया कस्टम, और यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है वो एक्सपेक्ट 16:9 और यहाँ पे 1280x720 का हमारा विड्थ और हाइट होती है यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो चलिए इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी ओपन नहीं करेंगे उससे पहले और भी चीजें देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, आप ले आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं इससे, यूट्यूब थंबनेल और फेसबुक के लिए कवर आर्ट और गूगल प्लस कवर फोटो और ट्विटर हेडर साइज, बहुत सारी चीजें आप इस काम से इससे बहुत सारी चीजें आप इस ऐप से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओके कर दूंगी और यहाँ पे इसको हम कर देंगे ओके। तो यहाँ पे अब आप लोग साइज देख सकते हैं, ये साइज आ गया है आपका 16:9 का। तो चलिए यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा है, इसको हम पहले यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डिलीट का साइन है, उसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बैकग्राउंड है इसको हमें चेंज करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप एक अपनी एक पिक्चर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो कैसे चेंज होगा, यहाँ पर आप लोग कलर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कलर आ जाएंगे। तो कलर पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ, ये देखिए ब्लू कलर हो गया, यहाँ पे हो गया रेड कलर, यहाँ पे हो गया येलो कलर,
और इसमें बहुत सारे कलर हैं, ब्लैक भी हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो भी आप करना चाहें वो सारे कलर यहाँ से हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आप चाहें तो इस तरीके का थंबनेल भी इसमें ऐसे कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कलर। तो अब हम, मुझे अभी कोई कलर नहीं चाहिए, मैं अभी यहाँ पे नन कर दूंगी, वाइट ही रखूंगी इसको या ब्लैक रख लूंगी, जैसे भी करना है। तो चलिए वाइट ही रहने देते हैं इसे, हम यहाँ से हम कर देंगे ओके। इसके बाद यहाँ पे अब हमें हमें अपनी इमेज चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी इमेज कोई से भी लगा सकते हैं। तो इमेज देने के लिए यहाँ पे जो प्लस का आइकन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। तो फ्रॉम गैलरी में आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपके फिर जो भी इमेजेस होंगे वो आपके पास यहाँ पे सामने आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे। तो हमारे इमेजेस कैमरा में पड़ी हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज है, इस इमेज को हम उठा लेंगे। ये इमेज मैंने ले ली है, तो इसको यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हैं आप चाहें तो, जितना आपको चाहिए, और नहीं क्रॉप करना है तो आपको ये एज इट इज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपको इमेज देने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है, तो इस तरीके से आ जाएगी। और मैं यहाँ पे इससे इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी इस तरीके से फोटो आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमने इसको एक पिक्चर को चूज़ कर लिया है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसी में अब हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लिखने का देख लेंगे कैसे हमें इसको लिखना है। यहाँ पे हमें लिखने के लिए ये जो ए साइन आपको दिख रहा है, लिखने के लिए यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उसको लिखने के लिए यहाँ पर हम ए पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख जाएगा टेक्स्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल बनी आ गई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। साइज़ को आप कौन सी उसमें फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, उसको कितना बोल्ड करना चाहते हैं, कौन सा साइज रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है एडिट पे, और एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। और यहाँ पर अब आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुमकुमाती फेस स्क्रब, मैंने ये लिख दिया कुमकुमाती फेस स्क्रब, तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगी। तो यहाँ पे ये सामने आ चुका है कुमकुमाती फेस स्क्रब। अब इसको हमें किस फॉन्ट में आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे आपको ये ऊपर दिखाता जाएगा कौन से फॉन्ट से कैसा कैसा इसका लुक आएगा, ठीक है। तो बोल्ड लुक देना है, जैसे भी देना है, आप पतले में लिखना चाहते हैं, इसमें लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ओके के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये उस फॉन्ट में यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये जो फोटो हिल रही है, इस फोटो को आप यहाँ से सबसे पहले लॉक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे फोटो है, इससे क्या होगा, ये फोटो हिलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम सेट करेंगे जहाँ आपको सेट करना है। यहाँ पे अगर आपको सेट करना है, यहाँ सेट करना है तो वो हम देख लेंगे। चलिए हम इसको अभी यहाँ पे लिखते हैं। अब पहले हम इसका साइज बढ़ाएंगे, कौन से साइज में हमें लिखना है। साइज पर हमने क्लिक किया, इसको हमने बड़ा किया तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये ब्लैक कलर का है, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें दिख नहीं रहा अच्छे से लिखा हुआ क्या हमने लिखा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करेंगे। येलो पे क्लिक किया, येलो कलर आ गया, ग्रीन पे क्लिक किया, ब्लैक पे कलर किया, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उस पर ये चेंज होता जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको येलो पे रख लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ पे इसके स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें आउटलाइन दे सकते हैं आप, तो आउटलाइन के लिए आप यहाँ पे इसको इनेबल कर लेंगे। और अब आप कौन सी आउटलाइन दे सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक अगर आप आउटलाइन देते हैं तो उसकी ब्लैक आउटलाइन बढ़ जाएगी। ये देखिए ब्लैक आउटलाइन आ गई। अब आप इसमें रेड देना चाहते हैं तो रेड हो गया। उसके बाद आप इसमें ब्लू देना चाहते हैं तो ब्लू हो गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। काफ़ी अच्छी ऐप है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं मोस्टली मेरे जितने भी थंबनेल आप लोगों ने देखे होंगे सब इसी से बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रेडी हो चुका है हमारा, तो यहाँ पर मैं इसको रख दूंगी, ठीक है। और इसका साइज़ आप इसको थोड़ा सा और इसको बोल्ड करना चाहते हैं, ब्लैक आउटलाइन, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने तैयार हो जाएगा कुमकुमाती फेस का मैंने लिखा हुआ है। अब आप इसमें और भी चीज़ें जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से प्लस का साइन ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आता जाएगा और वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप इसको हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ के 7% कुमकुमाती, जैसे यहाँ मुझे इसको लिखना है तो यहाँ पे मैं इसको रख दूंगी। और फिर यहाँ से हम इसका फिर से कलर चेंज करेंगे। कलर पर मैं इसका रेड रख दूंगी, देखो रेड हो चुका है ये, या ब्लू रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। सबको आप जो मर्जी फॉन्ट में रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं।
इसका फॉन्ट मैंने इस तरीके से इसमें सेट कर दिया है, और यहाँ पे इसमें स्ट्रोक हम डाल देंगे, इसमें स्ट्रोक डाल दूंगी येलो कलर का, ठीक है, या ब्लैक भी आप रख सकते हैं। तो ब्लैक रख के इसका यहाँ से आपको साइज़ बढ़ाना होता है, साइज़ बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ 7% कुमकुमाती। इसके बाद आपको इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड में इसके आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं ये है बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसको आप इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आपको कलर दिख जाएंगे। तो अब आप देखो इसमें ब्लैक, जैसे मैंने इनेबल किया यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया, रेड करूंगी तो रेड कलर आ जाएगा, ब्लू करूंगी तो ब्लू कलर आ जाएगा, येलो करूंगी तो येलो कलर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं येलो आ गया, तो येलो को हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। और साइज़ बढ़ाने के लिए आप फिर से वापस से इसके एक बार साइज़ पे चले जाओ, साइज़ पे जाने के लिए साइज़ पे चले जाएंगे हम, और यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगी तो देखो कितना बड़ा हो गया साइज़। जो आप चाहें, जिस तरीके से आप चाहें, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, आपको आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसमें थोड़े इमोजीज वगैरह भी मिल जाते हैं, यहाँ पे स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टिकर है, आप इस स्टिकर में कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे इमोजीज है, आप यहाँ पे इमोजी ऐड करना चाहते हैं, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसे पूरा एक थंबनेल बना के अपना रेडी कर सकते हैं। और थंबनेल बनाने के बाद आपको इसको यहाँ से लॉक कर देना होता है ताकि जो पिक्चर्स होती हैं सेट हो जाए अपनी जगह पे। यहाँ से जो लॉक का बटन दिख रहे हैं इनको आप लॉक कर दें और वापस से इस पे एक बार क्लिक कर देंगे। ये आपका थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर थंबनेल लग रहा है। इसके बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इस पे करेंगे तो सेव एज इमेज आपको करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए क्वालिटी का भी ऑप्शन है, सारी चीज ऑप्शन है। तो क्वालिटी में आप यहाँ पे पीएनजी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेव टू गैलरी, तो रेंडरिंग करेगा ये इमेज को और उसके बाद आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसको हम अपनी गैलरी में जाके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर गैलरी में चले जाएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर आप लोग देख सकते हैं पिक्सेल लैब का यहाँ पे तीन तीन इमेज हो गई है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं हुई है फर्स्ट टाइम, तो मैंने सेकंड टाइम फिर कर लिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरी गैलरी में इमेज आके सेव हो चुकी है। तो ये हमारा थंबनेल इस तरीके से बनके रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो कि YouTube वीडियो के लिए आप लोग थंबनेल कैसे बना सकते हैं, कितने इजी वे में, कौन सी ऐप से आप लोग थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं काफी एक अच्छी क्वालिटी में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।